गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज एट होम। कैसे हैं आप सब? ये देखिए, आज मेरे यहाँ ये तीन पिंक कलर के हाइबिस्कस खिले हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। चलिए आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ बस। तो ये रहा आज का मेरा प्लांट, आज का मेरा टॉपिक, और हर कोई जानता है इस प्लांट के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और कितना डिवाइन भी माना जाता है ये भी हर कोई जानता है। तो ये है मेरा ब्रह्म कमल, जिसे हम इंग्लिश में एपिफाइलम कैक्टस भी कहते हैं, क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है फ्रेंड्स। और इंडिया में तो इसे बहुत माना जाता है और पूजा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जिस घर में ये प्लांट हो वहाँ जो है प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहती है। बहुत क्या कहते हैं, इस प्लांट को शुभ माना जाता है। तो ये देखिए, मेरा ये प्लांट ऑलमोस्ट नहीं, दो साल से ज़्यादा हो गए हैं अब इसे, दो साल पुराना प्लांट है। और मैंने जो है इसे लीफ से प्रोपेगेट किया था, और मैंने आपको इसकी छोटी सी स्टोरी भी सुनाई थी फ्रेंड्स, कि ये जो है मेरे पास मेरी मम्मी के घर से आया था। मेरी मम्मी इसे पुणे से लेके आई थी, इसकी दो तीन लीफ कटिंग्स लेके आई थी, और फिर मैंने इसे यहाँ देखिए बैंगलोर में ग्रो किया है। तो ये कहाँ से ट्रैवल करके आया है मेरे पास, और देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और मैंने इसकी सिर्फ तीन लीव्स लगाई थी, और आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी और कितना बड़ा हो गया है। हालाँकि ये सक्यूलेंट जो है बहुत ही स्लो ग्रो करता है, बहुत स्लो ग्रो करता है फ्रेंड्स, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स पे कितनी लीव्स हैं, और ये कितनी मोटी सी स्टेम भी है। और इसमें जो है मई के महीने में फ्लावर्स भी आए थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक साथ 13 बर्ड्स लगी थी। लेकिन उस वक्त मौसम इतना ख़राब चल रहा था हमारे यहाँ, रोज इतनी आंधी जैसी, तूफान जैसी हवाएं चलती थी, कि जो है ये मेरा पॉट बेचारा नीचे भी गिर गया। उस वजह से बहुत सारी मेरी बर्ड्स डैमेज हो गई, और सिर्फ तीन ही बर्ड्स इसमें सर्वाइव कर पाई, और वो भी बहुत अच्छे से खिली थी। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है इसके ब्लूमिंग पर, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको वो। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक एपिफाइलम कैक्टस है, और ये ज़्यादा करके रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, एंड इसका ओरिजिन जो है फ्रेंड्स ब्राज़ील में हुआ था। वहाँ पे जो है ये रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर उनकी बार्क्स पे ग्रो होता है, जो मॉइस्चर होता है पेड़ों की छाल में, उससे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके उसमें ग्रो होता है फ्रेंड्स। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसे सॉइल मीडियम ही चाहिए, लेकिन आप इसे सॉइल मीडियम में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, तो आप समझ ही गए होंगे इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी। इसे जो है ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, और इसे जो है डायरेक्ट सन, हार्श सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसे फिल्टर्ड सनलाइट बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भी इसे बालकनी के एक कॉर्नर में रखा हुआ है, जहाँ पर इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती, लेकिन फिल्टर्ड लाइट आती रहती है सारे दिन। तो ये हो गई इसकी सनलाइट की बात, और इसे जो है ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है, तो हर वक्त इसकी ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने के लिए आप जो है एक, जैसे मैंने अपने पॉट में आप देख सकते हैं एक ग्लास रखा हुआ है पानी भरा हुआ, वैसे रख सकते हैं पॉट के बीच में, ताकि इसे ह्यूमिडिटी मिलती रहे अगर हवा में नमी नहीं है। और गर्मियों के टाइम पर आप एक नीचे ट्रे रख सकते हैं, उसमें पत्थर भर के पानी डाल के रख दें और उसके ऊपर पॉट रख दें, तो उससे भी ये ह्यूमिडिटी जो है नमी जो है एब्जॉर्ब करता रहेगा टाइम टू टाइम, और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहेगा, और बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा उस वजह से। तो ये हो गई इसकी क्लाइमेट की बात मेरे फ्रेंड्स। और इसको जो है ज़्यादा क्या कहते हैं कंजस्टेड जगह पसंद नहीं है, इसको ज़रा जो है क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ पे होती रहे वहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। तो आप ज़रूर ध्यान रखें जहाँ भी इसे रखें कि ये ज़रा खुली हवा में रहे, और हवा जो है आसानी से पास होती रहे इसके आस पास। और जो है फ्रेंड्स, प्रोपेगेट करना भी बहुत इजी होता है, आप इसे बस लीफ के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से प्रोपेगेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, आपको इसी भी लीफ ले लें, चलिए मैं आपको बताऊं, मैं कट तो नहीं करूंगी, मुझे बहुत प्यारा है ये मेरा पौधा, बस आप यहां से इसको कट कर लें, यहां से इसे कट कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो इसे दो दिन सुखा दें, क्योंकि एज नॉर्मल सक्यूलेंट
ताकि आपका जो ये कट का पॉइंट है वो अच्छे से हील हो जाए और बाद में जो है आप इसे पॉटिंग सॉइल में लगा दें। आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा दें फ्रेंड्स, प्लेन मिट्टी में भी लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से चल जाएगा। तो आप जब ये लीफ लगा देंगे मिट्टी के अंदर तो आप देख और इसे फिर आप इसे शेडेड एरिया में रख दीजिएगा कहीं इस कटिंग को फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर इस लीफ ने जो है जड़ पकड़ ली होगी और जो है ये जो है इस जो ये नोड्स होते हैं यहाँ पर ये कोने जो ये इसके एजेस होते हैं वहाँ से आपको ये नई लीव निकाल के दिखाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे ये नोड्स पे से इसके नई लीव्स निकल रहे हैं इस तरह फ्रेंड्स, इसके लीव्स निकलते हैं और इसी तरह इसके बड्स भी आते हैं। हर नोड पे आपको बड भी दिखाई देंगे जब ये फ्लावर करने पे आएगा, ऐसे ऐसे इस कोनों में इसके बड्स लगते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इसके फूल खिलते हैं, और जब खिलने से पहले भी जब लटक रहे होते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कम से कम जो है इनके फूलों को बनने से खिलने तक एक महीने का टाइम तो लग ही जाता है फ्रेंड, और इसका फूल जो है बहुत कम टाइम के लिए लास्ट करता है। रात में खिलता है, कम से कम 8 बजे इसका फूल जो है खिलना शुरू होता है और 12 बजे तक ये पूरी तरह खिल जाता है फ्रेंड, और सुबह आप देखेंगे कि ये फूल वापस से बंद हो जाएगा और ख़त्म हो जाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल फ्लावर की इतनी छोटी होती है फ्रेंड्स, लेकिन जो खूबसूरती होती है वो बस देखने के लिए होती है और देखने के काबिल होती है। बहुत सुंदर होता है इसका फूल फ्रेंड्स, तो आप ये प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके पॉटिंग सॉइल की बात कर लें तो इसे भी वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है, और लेकिन सॉइल में मॉइस्चर रहना बहुत ज़रूरी है इसकी सॉइल में, क्योंकि इसका जो अगर प्लांट क्या जो मिट्टी है अगर सूखने लगी तो आपका प्लांट आपको खुद ही बता देगा। इसकी पत्तियां जो हैं थोड़ी सी सुकड़ने लगेंगी और थोड़ी सी येलोइश तरफ चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि इसके इस प्लांट में जो है पानी की कमी हो रही है। और आप जो है इसके पॉटिंग मिक्सचर बनाते वक्त आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% सॉइल ले लें, 25% खाद ले लें, कोई सी भी खाद ले लें, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और 25% अगर आपके पास पर्लाइट हो तो पर्लाइट ले लें या तो कोकोपीट ले लें, क्योंकि कोकोपीट और पर्लाइट जो है मॉइस्चर रिटेन करता है आपके अपने अंदर। तो ऐसा मिक्सचर आप बनाएं और इसमें इसको लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इसके अंदर फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा सैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देख लिया मैंने आपको इसका पॉटिंग मिक्सचर भी बता दिया फ्रेंड्स, और जो है इसमें पेस्ट बहुत कम लगते हैं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं पैसे लगने जैसा। लेकिन मैंने देखी ये कोने में रखा हुआ था, आज मैंने इसे सफाई करने के लिए बाहर निकाला तो मैंने क्या देखा, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये देखिए जाला बनाया हुआ है स्पाइडर ने और इसके अंदर शायद अंडे भी डाले हुए हैं। तो इस तरह इसमें स्पाइडर माइट या स्पाइडर का जो है अटैक होने का डर रहता है। तो जैसे आप नॉर्मल अपने दूसरे पौधों को नीम ऑयल स्प्रे करते रहते हैं हर 15 दिन में, वैसे आप इस पर भी अगर नीम ऑयल स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई पेस्ट नहीं लगेंगे। और इसकी फ्लावरिंग जो है साल में एक आध बार ही होती है फ्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब आप एक बार इसका पॉटिंग मिक्स बना लें और उसको लगा दें तो बस यही काफ़ी है। फिर आप जो है अगर आप चाहें तो 2-3 महीने में एक बार इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला दें, या तो सिर्फ 2 साल में 2 बार जैसे हम फरवरी और सितंबर में अपने हर प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं, बस उस वक्त ही अगर आप इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दें तो भी इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये इतना हैवी फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, बहुत स्लो ग्रो करता है। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मेरे यहाँ पे इसने जो है मई में फ्लावरिंग करी थी और अब ये मुझे लगता है दोबारा से फ्लावरिंग करने वाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये इसकी अब नई स्टिक निकल रही है। अगर ऐसी स्टिक आपके प्लांट में निकल रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका प्लांट जल्द ही फ्लावर करने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लांट जो है साल में 1 या 2 बार ही फ्लावर करेगा, डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी। और अगर आपके यहाँ का क्लाइमेट जो है इसके लिए सूटेबल है, फीजिबल है, तो मे बी ये शायद साल में आपको 3-4 बार भी फ्लावरिंग करके दिखाए। ये मेरी मम्मी के घर में तो साल में पता नहीं कितनी बार 5-6 बार फ्लावरिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि बॉम्बे और पुणे का क्लाइमेट एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑल ईयर राउंड प्लेजेंट रहता है, ठंडा रहता है, तो इसके लिए वो कंड्यूसिव है क्लाइमेट, तो इसके लिए ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। तो होप करती हूँ कि आपको जो है ये मेरा प्लांट अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। और जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इसको लीव से मैंने भी प्रोपेगेट किया है तो आपको रिजल्ट भी दिखा दूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इतनी छोटी सी लीव, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी छोटी सी लीव ली है, ये टूट गई थी नीचे गिर के, और देख सकते हैं इसे मैंने ऐसी ही मिट्टी में इसी पॉट में गाड़ दिया था और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स निकले।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसकी रूट्स देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी लीफ है। ये न्यू लीफ ही थी, मेरा पॉट नीचे गिर गया था उसकी वजह से ये टूट गया था और मैंने इसी पॉट में गाड़ दिया था इस लीफ को। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी रूट्स निकल गई हैं इसमें। तो देखा फ्रेंड्स कितना ईजी है इसे लीफ के थ्रू प्रोपिगेट करना। और मैंने जो आपको इसके बारे में केयर टिप्स बताई हैं, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप भी इस प्लांट को बहुत अच्छे से अपने पैराडाइज में, अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आपको बस यही ख्याल रखना है फ्रेंड्स कि आप जो है इसकी मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन्ड रखें, कभी भी इसकी मिट्टी को सूखने ना दें। जब भी आप इसको पानी डालें तो एक इंच अंदर तक आप अपनी इसके अंदर उंगली डाल के देखें, अगर आपको मिट्टी सूखी लगे तभी इसके अंदर आप वाटरिंग करें फ्रेंड्स। और ये प्लांट जो है देखिए मेरा तो ऑलमोस्ट 2 फीट टॉल हो गया है। इसकी हाइट जनरली 3 से 4 फुट होती है, उससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप अगर इसको जो है टाइम टू टाइम प्रून भी करते रहा करें और कटिंग दूसरे पॉट्स में भी लगा दें तो आपके पास बहुत सारे प्लांट्स भी हो जाएंगे और आप दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर दिए इसमें से कटिंग निकाल निकाल के। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ये प्लांट भी पसंद आया होगा और जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसके बारे में शेयर करी है वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।